वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ...93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान में जीत का भरोसा साफ नजर आ रहा था। भरोसा की इस तरह आप कार्यकर्ताओं की इच्छा मान को सीएम फेस बनाने की थी, वैसे ही पंजाब के मतदाताओं की भी इच्छा होगी। इसी भरोसे के साथ पार्टी ने 21 लाख लोगों के बीच एक सर्वे कराया और 93% की पसंद को आगे करके चुनाव के रण में कूद पड़ी, और वो भी चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज के मुकाबले। भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के सिगरू जिले के सतोज गांव में हुआ था। उन्होंने सिगरू के SUS कॉलेज से बीकॉम किया है। भगवंत मान 2014 से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं। मई 2014 में भगवंत मान पंजाब के सिगरू निर्वोचक क्षेत्र के सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो 2019 में लगातार दूसरी बार सिगरू लोकसभा सीट से सांसद बने। भगवंत मान जाट सिख परिवार से आते हैं। भगवंत मान के घर का नाम जुगनू है। मान स्टैंड अप पंजाबी कॉमेडियन भी रह चुके हैं। कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से वह काफी मशहूर हुए। इस रियलिटी शो में नवजोत सिंह सिद्धू बतौर जज के रूप में नजर आए थे। इसके अलावा भी मान ने कई टीवी चैनलों पर कॉमेडी शो में शिरकत की है। भगवंत मान की शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी, हालांकि 2015 में दोनों अलग हो गए। दोनों के दो बच्चे भी हैं। एक इंटरव्यू में भगवंत मान ने खुद बताया था कि वह राजनीति के चक्कर में अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, इसीलिए उनकी पत्नी और वह सहमति के साथ अलग हो गए। भगवंत मान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। भगवंत मान ने 2012 में लहरा विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े, लेकिन वहां उनको हार का सामना करना पड़ा। बाद में मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए और भगवंत मान आम आदमी पार्टी में आ गए। पंजाब के इस नए मुखिया पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। पंजाब चुनाव से जुड़ी हर खबर पर नजर रहेगी जनसत्ता की। आप देखते रहें जनसत्ता.com।